हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आइए जान लेते हैं कि डेटा टाइप एमएस एक्सेस में क्या क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेस ओपन कर लेता हूं, यहां ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करता हूं और यहां पे डेटाबेस 9 आ रहा है। आप चाहे तो कोई और भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से। तो अब ये जो है हमारे पास एक पेज आ चुका है। यहाँ पर अब हमें डिजाइन व्यू पे जाना है क्योंकि सारी डिजाइन डिजाइन व्यू में जाकर होती है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका नाम डेटा टाइप, क्योंकि हम डेटा टाइप के ही बारे में सीख रहे हैं। एंटर प्रेस किया हमने। यहाँ पे देखिए, ये जो की है वो प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं रख सकते आप, ठीक है। आप फॉरेन की रख सकते हैं, प्राइमरी की नहीं रख सकते। फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा ऑटो नंबर। तो ये जो ऑटो नंबर है ना, ये डेटा टाइप है। आइए देखते हैं और कौन कौन से डेटा टाइप इसमें मिलते हैं। यहाँ देखिए, इतने सारे ये डेटा टाइप हैं। टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस एंड नो है, ओएलई ऑब्जेक्ट है, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट है और लुकअप विजार्ड है। इतने सारे डेटा टाइप यहाँ पे मौजूद है। इन्हीं को हम डेटा टाइप कहते हैं। महत्व क्या है इनका, आइए इनके बारे में जानते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ ऑटो नंबर कर दिया, आईडी ऑटो नंबर हो गई। यहाँ मैं नेम लिखता हूँ तो ये हो जाएगा टेक्स्ट। यहाँ पे मैं टेक्स्ट डेटा टाइप अपने आप आ जाएगा। ये यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ओके किया मैंने तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डेटा टाइप आ गया। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ऑटो नंबर क्या होता है इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं जेनरेट द नंबर्स ऑटोमेटिकली। तो ये हो सकता है। और अब हम यहाँ पे नेम है, ये किसी स्टूडेंट का नाम है तो नेम ऑफ स्टूडेंट मैं कर देता हूं। इसकी जगह मैं कर देता हूं नेम ऑफ या स्टूडेंट नेम कर देता हूं, स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम हो गया। यहां पर क्लिक करके और यहां पे हम दे देंगे, जैसे हिंदी में ये कुछ मार्क्स पाएंगे, इंग्लिश लिख देंगे हम इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए, हम डेटा टाइप के बारे में सीख रहे हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे टेक्स्ट जो डेटा टाइप है इसको हम नंबर कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ नंबर डेटा टाइप का भी मैं यूज कर रहा हूं। अब इस स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ भी होगा कुछ, तो मैं यहां लिख देता हूं डीओबी, ठीक है। ये डीओबी लिख दिया हमने, कैपिटल कर देते हैं इसको डीओबी। तो भी जो है डेट एंड टाइम डेटा टाइप होगा, ठीक है। कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। अब इनकी फीस जो है वो जमा होगी कुछ, फीस लिख दिया हमने। तो फीस जो है इनकी वो होगी करेंसी डेटा टाइप। तो अब ये देखिए, करेंसी सिंबल भी हम यूज करेंगे। और इतने सारे डेटा टाइप का यूज करके मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ओके करेंगे तो यहाँ इस तरीके से हमें दिखेगा ये। अब ये ऑटो नंबर है तो नंबर अपने आप जनरेट होगा, हम यहाँ लिख नहीं सकते। हम यहाँ खुद से लिखने की कोशिश करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। देखिए, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा। यहाँ पे स्टूडेंट नेम है तो स्टूडेंट नेम हमेशा टेक्स्ट डेटा टाइप होगा। टेक्स्ट में आप नंबर और टेक्स्ट दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन के समय, क्वेरी कैलकुलेट करते समय आपको नंबर डेटा टाइप ही लेना होगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का नाम है रितेश, इधर आएंगे यहां नंबर देंगे, जैसे 50 मार्क्स दे दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देना है 88 मार्क्स दे दिया हमने, यहाँ पे डीओबी देना है। तो देखिए, यहाँ डीओबी देते समय यहाँ पे ये इस तरह से करके आ रहा है। यहाँ से आप क्लिक कीजिए और डीओबी जो भी इनकी हो यहाँ से चूज कर सकते हैं आप, ठीक है। कुछ भी डीओबी हो यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं 2002 कर देता हूँ। फीस जो है इनकी जो भी है, जैसे 7000, ठीक है, मैंने यहाँ दे दिया। तो यहाँ देखिए डॉलर में आ रहा है ये। इसको हमें रुपए में लाने के लिए अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा, समझ जाइएगा कि यहाँ रुपए का सिंबल कैसे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से करके हम डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जैसे यहाँ पे हम करेंगे तो हमने आईडी में लिया हुआ था ऑटो नंबर, तो ऑटो नंबर क्या करेगा, अपने आप से नंबर जनरेट करेगा। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं राम, RAM। तो जैसे राम लिखा मैंने, यहाँ पे रोल नंबर आईडी जो है 2 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी।